यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच अब अमेरिका और रूस दुनिया भर के देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए दोनों देश अब कुछ भी करके एक दूसरे के दुश्मन देशों को मदद के बहाने अपने पाले में खींचने में जुटे हुए हैं और उनकी इस कोशिश से पूरी दुनिया के दो अलग अलग गुटों में बंटने का खतरा बढ़ गया है। एक तरफ नाटो देशों का साथ होने से अमेरिका का पलड़ा भारी दिख रहा है तो दूसरी तरफ आप देखिए चीन खुलकर रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। लेकिन अब रूस ईरान को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट चुका है और खबर यह है कि दोनों देश मिलकर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार पर जल्द काम शुरू कर सकते हैं। अमेरिका को जवाब देने का नया प्लान, अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगा रूस। राजनीति में एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और रूस और ईरान का दुश्मन तो एक ही है, दोनों एक ही मुसीबत के मारे भी हैं, दोनों पर तगड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है तब से अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और ईरान तो अपने परमाणु प्रोग्राम की वजह से बरसों से सैंक्शन झेल रहा है। ऐसे में दोनों देशों का जोर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर है ताकि प्रतिबंधों की काट निकाली जा सके। यूक्रेन पर हमलों के बाद अमेरिका ने दुनिया भर के कई देशों के साथ मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगाकर दबाव बढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद अब रूस ने भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए ईरान का सहारा लेने का मन बना लिया है। साथ आएंगे ईरान और रूस, परमाणु प्लान में मदद देगा रूस। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब रूस ईरान को इस तरह की मदद दे रहा है, बल्कि ईरान के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में भी रूस ने अहम भूमिका निभाई थी। जब ये पावर प्लांट शुरू हुआ था तब ईरान में रूस के कई अधिकारी मौजूद रहे थे और इस पूरी घटना का सीधा प्रसारण ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर भी किया गया था। और अब यूक्रेन युद्ध के 3 महीने पूरे होने के बाद फिर से दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री खुद ईरान पहुंच गए हैं और इसी वजह से इन बातों पर अटकलें और तेज हो गई हैं कि दोनों देश मिलकर ईरान के इकलौते न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार पर जल्द काम शुरू कर सकते हैं। यानी अगर दोनों देश मिलकर इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो सीधे सीधे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ही ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अलग हो गया था और उसके बाद ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लग गए थे। इन प्रतिबंधों में तेल और गैस का कारोबार भी शामिल था। 2005 में हुए इस समझौते में ईरान और अमेरिका के साथ ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस भी शामिल थे। लंबे समय तक हुई कूटनीतिक पहल के बाद इस समझौते पर बात बनी थी। जुलाई 2015 में इस समझौते पर मुहर लगाई गई थी। समझौते के मुताबिक ईरान को अपने यूरेनियम भंडार को कम करना था। समझौते में ही ईरान पर हथियार खरीदने के लिए प्रतिबंध 5 साल तक जारी रखा गया था, जबकि मिसाइल प्रतिबंध 8 साल तक बने रहने थे। इसके बदले में ईरान को तेल और गैस के कारोबार, वित्तीय लेन देन और कुछ दूसरे प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया और उसने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों के लगने से ईरान की मुश्किल बढ़ गई और उसका तेल और गैस का कारोबार भी ठप पड़ गया। और अब यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच रूस और ईरान के बीच बढ़ रही नजदीकियों से इस परमाणु कार्यक्रम के एक बार फिर तेज होने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि प्रतिबंधों की मार तले दबा ईरान न तो अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा पाया और न ही उससे प्रतिबंधों में ढील मिल पाई। और ऐसे में अगर रूस उसकी मदद को आगे आता है तो उसकी मुश्किल काफी हद तक कम हो सकेगी।
और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच अब अमेरिका और रूस दुनिया भर के देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने के लिए दोनों देश अब कुछ भी करके एक दूसरे के दुश्मन देशों को मदद के बहाने अपने पाले में खींचने में जुटे हुए हैं और उनकी इस कोशिश से पूरी दुनिया के दो अलग अलग गुटों में बंटने का खतरा बढ़ चुका है। एक तरफ नाटो देशों का साथ होने से अमेरिका का पलड़ा भारी दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन खुलकर रूस के साथ खड़ा है, लेकिन अब रूस ईरान को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट चुका है और खबर यह है कि दोनों देश मिलकर ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार पर जल्द काम शुरू कर सकते हैं। अमेरिका को जवाब देने का नया प्लान अमेरिका को उसी की भाषा में दिया जाएगा। इन धमाकों के बीच यूक्रेन में एक और मारियूपोल तैयार हो रहा है। बम ब्लास्ट, मिसाइल अटैक और बड़ी बड़ी तोप के हमलों से घिरा ये है यूक्रेन का शहर सेवेरोडोनेस्क। डॉनबास रीजन में ये एक बड़ा औद्योगिक शहर है, ठीक मरियुपोल की तरह, और अब यहाँ ठीक वैसी ही तबाही का बवंडर शुरू हो चुका है। ये रूस की तोप है जो लगातार इस शहर पर हमले कर रही है। ये रूस का तोपखाना है जिसका मुंह सेवेरोडोनेस्क से यूक्रेन की फौज को खदेड़ने के लिए खोल दिया गया है। लुहांस्क से 80 किलोमीटर और डोनेस्क से 130 किलोमीटर दूर इस शहर पर कब्जा करना अब पुतिन का डॉनबास में सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पुतिन की फौज इस शहर को भी मरियुपोल में तब्दील करने पर आमादा है। यहाँ हो रहे हमले और यहाँ जारी दहशत को देखकर पता चलता है कि पुतिन इसमें कोई भी रियायत देने वाले नहीं है। It's hell, you know. It's hell. First, everyday shelling. Second, a lot of death. Third, humanitarian problems. रूस इस शहर पर किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी कब्जा करना चाहता है। पुतिन मरियुपोल में मिली कामयाबी के बाद रुकना नहीं चाहते, इसलिए सेवेरोडोनेस्क में मौजूद यूक्रेन की फौज को अगले 48 घंटों के अंदर घुटने के बल लाने की पूरी तैयारी की गई है। इस खतरनाक हालात के बीच सेवेरोडोनेस्क कब तक रुक पाएगा? इस शहर के लोगों ने उम्मीद करीब करीब छोड़ ही दी है। Now it seems like the front is all around the city. It's practically surrounded. There are tanks. There are like we can see trucks from the army being deployed around the city. So it seems very clear that to me it's about to fall. रूस इस वक्त सेवेरोडोनेस्क के पावर स्टेशन पर कब्जा कर चुका है और इसके बाद पूरे शहर के चारों तरफ घेरा डाला जा रहा है। यहाँ चल रहे युद्ध में बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने इस शहर को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। वो मरियुपोल की तबाही देख चुके हैं और यहाँ जान नहीं गंवाना चाहते। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। इस शहर पर 2400 घंटे हमले हो रहे हैं और यहाँ यूक्रेन की फौज भी अपनी जगह पर डटी हुई है, लेकिन सवाल है कि वो कब तक रूस का सामना करती रहेगी। धमाकों के बीच यूक्रेन का ये शहर दर्द से बुरी तरह कराह रहा है, लेकिन मरियुपोल वाला हौसला फिर भी कायम है। उधर डराने वाली एक खबर मरियुपोल से आई है जो पहले ही बहुत भीषण युद्ध के बाद रूस के कब्जे में आ चुका है। मरियुपोल में एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में 200 शव बरामद हुए हैं। ये खबर पूरी दुनिया में हेडलाइन बन चुकी है। ये लोग बमबारी से बचने के लिए बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपे हुए थे, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई और वो भी मलबे में तब्दील हो गए। मरियुपोल में जो अजोवस्ताल स्टील प्लांट जेलेंस्की के लड़ाकों का आखिरी किला बन गया था, वहां का नया वीडियो सामने आया है। ये वो जगह है जहां अजोव रेजिमेंट के लड़ाके छुपे हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन यहां वो किन हालात में थे उसका वीडियो बहुत गौर से देखिए। बंकर ऐसी
भूल भुलैया की तरह थे कि वो जमीन से 7 मंजिलें नीचे रूस की खतरनाक बमबारी के आगे अजोव रेजिमेंट का कवच बन गए थे। कई किलोमीटर के दायरे में फैले इस प्लांट का अभी तक 30% हिस्सा ही सैनिटाइज किया गया है। Патроны выбрасывали, чтобы свой маршрут, да? Конечно, чтобы не потеряться, потому что то есть сами могли потеряться здесь. Конечно. रूस ने मरियुपोल पर कब्जे के लिए कई तरह के खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए। अजोवस्ताल पर तो लगातार बमबारी जारी रही और उसके बाद अजोव रेजिमेंट का करीब 2,500 मिलिशिया घुटने के बल बैठने को मजबूर हो गया। इस वक्त भी यूक्रेन में बहुत से हथियारों से हमले हो रहे हैं, तो बहुत से हथियार यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो के जरिए जेलेंस्की की फौज तक पहुंचाए भी जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि रूस वार्निंग दे चुका है कि यूक्रेन में किसी और देश का दखल युद्ध को भड़काएगा। पूरी दुनिया को डर अब ये सता रहा है कि यूक्रेन का युद्ध 3 महीनों से ज्यादा खींचने के बाद अब साल भर तक भी चल सकता है, इसकी भी पूरी आशंका है। अब देखिए डॉनबास में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, जिस युद्ध को 3 महीने हो चुके हैं उसमें ये हेलीकॉप्टर दुश्मन को सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन बन चुके हैं। यूक्रेन में फ्रंट से आने वाली तस्वीरों में सबसे ज्यादा यही हेलीकॉप्टर एक्टिव हैं। यूक्रेन के आसमान में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में इनका कहर जारी है। दक्षिण पूर्व में मरियुपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन युद्ध में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। इनमें सबसे ज्यादा जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है वो है केमोव 52 अटैक हेलीकॉप्टर। रूस के 100 से भी ज्यादा केमोव 52 हेलीकॉप्टर हैं। यूक्रेन में इस वक्त जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी फ्रंट हैं, उसमें जमीन पर मौजूद फौज के साथ बहुत करीबी तालमेल की जरूरत है। जो गलतियां पुतिन और उनकी फौज ने कीव में दोहराई हैं, वो उसे डॉनबास में नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए रूस की फौज ने क्लोज एयर सपोर्ट में हेलीकॉप्टर की उड़ान तेज कर दी है। रूस की फौज लगातार डॉनबास के उन इलाकों पर हमला कर रही है जहां यूक्रेन की फौज का कब्जा मजबूत है, जहां यूक्रेन की फौज पिछले 8 वर्षों से डटी हुई है। रूस को वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन मरियुपोल की तरह यहां भी एक एक इमारत पर हमला हो रहा है। डॉनबास में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है।